इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 39 विमान गिराए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, रूस के 39 विमान गिराने का दावा यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया गया है। रूस के 40 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा भी यहां पर यूक्रेन ने किया है। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने ये विमान गिराए हैं, तो जितना नुकसान यूक्रेन को हो रहा है, अब यूक्रेन की तरफ से यह दावा है कि रूस को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है, रूस के 39 विमान गिराने का दावा किया है और हेलीकॉप्टर भी गिराने का दावा किया है, जिसकी संख्या 40 बताई जा रही है। ये जो यूक्रेनी एयर डिफेंस है, उसने ये विमान गिराए हैं। बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और जो रूस के विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आज युद्ध का 10वां दिन है, रूस यूक्रेन युद्ध का 10वां दिन है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। इस बीच खबर ये है कि यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूस के विमान और हेलीकॉप्टर गिराए हैं, जिसकी संख्या भी उन्होंने बताई है। तो लगातार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और यहां पर यूक्रेन अलग अलग दावे कर रहा है। उसने कहा है कि उसने लगभग 40 से ऐसे ज्यादा विमान हैं जो रूस के हैं और उसने उसको धाराशाही कर दिया है। साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है और रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। खेरसोन, खार्किव और कीव समेत कई जगह रोजाना धमाके हो रहे हैं। इस बीच रूस ने जेलेंस्की के पोलैंड भागने का भी दावा किया है। हालांकि यूक्रेन ने जेलेंस्की के कीव में होने की बात कहकर रूस का दावा खारिज कर दिया है। वहीं यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग को नेटो ने खारिज कर दिया है। लगातार हो रहे धमाकों से यूक्रेन में लोगों में दहशत का माहौल है और युद्ध की दहशत के बीच एक तस्वीर आई जब तबाह हो चुकी इमारतों से एक सैनिक ने एक नन्ही जान को बाहर निकाला। लेकिन कब्जे से पहले रूसी सेना ने खेरसोन को 3 दिनों तक घेर कर रखा था, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में बड़ी संख्या में लोग सब्जी और रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ लोग सड़क के किनारे सामान बेचते नजर आए। इसी तरह शहर के एक दूसरे हिस्से में भी सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के सुमय में जबरदस्त बमबारी हो रही है। बिजली घर पर रूस की भारी बमबारी हो रही है। इससे पहले यहाँ अलर्ट भी जारी किया गया था। यूक्रेन के सुमय में बिजली चली गई है, बिजली गुल वहां पर हो गई है, क्योंकि वहां पर भारी बमबारी हो रही है। यूक्रेन के सुमय शहर की खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। बिजली घर पर रूस की भारी बमबारी लगातार जारी है। उसका मकसद यही है कि वो बिजली पावर प्लांट्स को भी अपना निशाना बनाए, ताकि किसी भी तरीके से जो आसपास की बिजली है उसको बाधित किया जा सके। और यहाँ पर बिजली घर पर रूस ने भारी अटैक किया है, उसकी ओर से बमबारी वहां पर हो रही है। सुमय शहर है यूक्रेन का, यूक्रेन के सुमय में फिलहाल बिजली गुल हो गई है। लोगों को काफी तकलीफों का वहां पर सामना भी करना पड़ रहा है। इससे पहले अलर्ट भी जारी किया गया था कि वहां पर एयर स्ट्राइक्स उसकी ओर से की जा सकती हैं, हवाई फायर उसकी ओर से की जा सकते हैं। इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी कह दिया गया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, वहां के बिजली घर पर अब लगातार रूस बमबारी कर रहा है, एयर अटैक्स कर रहा है, उसकी ओर से हमले किए जा रहे हैं ताकि बिजली बाधित की जा सके, लोग वहां के परेशान हो जाएं। यूक्रेन के सुमय में बिजली इस वक्त गुल हो चली है। वहां पर बिजली संकट अब पैदा हो सकता है, क्योंकि वहां के जो बिजली घर है उस पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है और साथ साथ रूस वहां पर लगातार कई अटैक्स कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से लगातार परेशान करने की फिराक में है रूस, और अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग रणनीतियां उसकी ओर से बनाई जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके से यूक्रेन पर वो अपना कब्जा जमा सके। तो तस्वीरें लगातार आपने देखी वहां पर किस तरीके के हालात अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। लेकिन रूस यहां मान नहीं रहा है, वो चाहता है कि पूरी तरीके से यूक्रेन तबाह हो जाए। ऐसे में रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल और ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए, ये झंडा लिए हाथ में, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हो किस तरीके से वहां यूक्रेन की सड़कों पर अब धीरे धीरे जमावड़ा लग रहा है। हर तरफ सैनिक ही सैनिक दिख रहे हैं, आम नागरिक गायब हो चले हैं, क्योंकि आम नागरिकों को कह दिया गया है